भारत की पहली मेड इन इंडिया चिप दिसंबर 2024 तक बनकर मार्केट में आ जाएगी। इस बात की जानकारी आईटी मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव ने एक टीवी इवेंट में दी। वैष्णव ने कहा कि भारत इलेक्ट्रॉनिक्स का हब बन गया है। यहां से अभी करीब 8,294 करोड़ रुपए का टेलीकम्युनिकेशन इक्विपमेंट का एक्सपोर्ट हो रहा है। इससे पहले उन्होंने कहा था अगले 5 साल यानी 2029 तक भारत दुनिया के टॉप 5 चिप इकोसिस्टम का हिस्सा होगा। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंडियाज टेक इट चिप्स फॉर विकसित भारत कार्यक्रम में लगभग 1.26 लाख करोड़ रुपए के 3 सेमीकंडक्टर फैसिलिटीज की नींव रखी। इस मौके पर मोदी ने कहा कि इससे भारत को सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग के लिए ग्लोबल हब बनने में मदद मिलेगी। इससे पहले यूनियन कैबिनेट ने 29 फरवरी को चिप प्लांट के 3 प्रपोजल को मंजूरी दी थी। ऐसे इंटरेस्टिंग अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।